समेत खैबर पुख्तनख्वा में आज से जो है वो मैट्रिक और इंटर के इम्तहान शुरू हो गए हैं। मेरे साथ इस वक्त सूबाई वजीर तालीम शहराम तरक्की मौजूद है, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। जी आज से जो है वो इंटर और मैट्रिक के इम्तहान शुरू हो गए, कितने तलबा इसमें हिस्सा ले रहे हैं सर, और बूटियाँ माफिया को कंट्रोल करने के लिए क्या इकदाम किए जाए? देखिए, फुल प्रूफ इंतजाम की पूरी कोशिश की गई है और इंशाल्लाह वी आर होपफुल के इस तरह के कोई इशू नहीं होगा। कैमरे लगे हुए हैं, मोबाइल फोन से वीडियो बनाई जाएगी, पूरे हॉल एग्जामिनेशन की, पूरे ड्यूरेशन की इंटरनल एक्सटर्नल मॉनिटरिंग है, पूरा एक फुल प्रूफ जो स्टेप्स पॉसिबल हैं वो हमने लिए हैं। दुआ है कि इंशाल्लाह पुरअमन हो, खैर से हो, और जो इन्वायरमेंट हम क्रिएट करना चाहते हैं और जो हमने किया है, अल्लाह करे कि वो सस्टेन हो और उसमें बच्चों को एक अच्छा इन्वायरमेंट मिले ताकि वो अच्छे तरीके से। तो कहना पड़ता है कि चंद हमारे मुस्लिम लीग नून के बेखबर और कन्फ्यूज पॉलिटिशियन जो हर डिपार्टमेंट का बेड़ा गर्क किया इस मुल्क का, अब वो इस हालत पर उनकी वो बेहिसी और उनकी वो कन्फ्यूजन इस हालत पर आ गई है कि वो अपनी सियासत आने वाली नस्लों के उनके उस पर कन्वर्ट कर रहे हैं, उसके मुतनकिल कर रहे हैं, और ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि जी इम्तिहान नहीं होने चाहिए और पता नहीं क्या हो गया, और कोई एक जगह से खुदारा जो आपकी कंफ्यूजिंग पॉलिसी है वो तो ऑलरेडी कंफ्यूज है, आप हैं ही कंफ्यूज, आपका पूरा निज़ाम ही कंफ्यूज रहा है। खुदा के लिए इन कौम के बच्चों को कंफ्यूज ना करें और इनसे दूर रहें, तालीमी निज़ाम में सियासत को इन्वॉल्व ना करें, अपनी कन्फ्यूजन को अपने तक रखें, बेखबरी को अपने तक रखें, इस कौम के बच्चों को बेड़ा गर्क ना करें। तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, बाकी वालदैन से मेरी रिक्वेस्ट है कि बच्चों को हेल्प करें, गाइड करें और उनको सपोर्ट करें और उनको जो उनको मुश्किलात हो उनको हल करने की कोशिश करें। और बच्चों को फिर एक दफ़ा कह रहा हूँ गुड लक, इंशाल्लाह अल्लाह करे कि आप अच्छे नंबर लें, और मेरी टीम को गुड लक कि जी इंश्योर करें मेरिट को, ट्रांसपेरेंसी को। थैंक यू जी। अच्छा सर, ये बताएं कि पेपर एमसीक्यूज टाइप होगा या रिटन होगा, मार्क्स कितने होंगे?